इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाव स्वदेश की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 के अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि हर तबके की जो वित्तीय समावेश है उसके एक व्यापक कार्यक्रम की घोषणा की थी। नाम रखा गया प्रधानमंत्री जनधन योजना। एक ऐसी स्कीम जो बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को लाभ देने जा रही थी जो लंबे वक्त तक बेसिक वित्तीय सेवाओं से दूर रहे। ऐसे लोगों को योजना के तहत एक बैंक खाता दिया गया जिनके पास पहले से कोई बैंक अकाउंट नहीं था। इस योजना के तहत खास तौर से समाज की महिलाओं को फाइनेंशियली मजबूत करने की मंशा थी। सोच बड़ी थी तो परिणाम दिखने लाजमी थे। साल 2023 करीब 9 साल होने जा रहे हैं और इस योजना को एक माइलस्टोन जो इस योजना ने हासिल किया है उसकी आज हर तरफ बात हो रही है, क्योंकि जनधन बैंक खातों में 2 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि डिपॉजिट हो चुकी है। 48 करोड़ से ज्यादा जनधन खातों में जो सोच थी, जो मंशा थी महिलाओं की एक तरह से वित्तीय इंडिपेंडेंसी की, उसमें महिलाओं के खातों की संख्या आप सुनकर चौंक जाएंगे। ये संख्या डोमिनेट कर रही है, 48 करोड़ से ज़्यादा खाते और उसमें भी 27 करोड़ से ज़्यादा खातों की संख्या जो है वो महिलाओं की है और ये बदलते भारत की एक नई तस्वीर है। साल 2014 में जब ये योजना शुरू हुई तो कई सवाल उठाए गए, लेकिन करीब 9 साल होने को आए हैं और उस योजना ने कामयाबी की नई इबारत लिखी है। ऐसी इबारत जिसने ग्रामीण भारत को ताकत दी है, दुनिया को दिखाया, और यही नहीं इस योजना की सफलता को दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं अब वैलिडेट कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने तो ये कह दिया है कि जनधन योजना ने एक व्यापक बदलाव लाया, खासतौर पर कोरोना के वक्त में जो इसका इस्तेमाल हुआ वो अपने आप में बेहतर है। साल 2011 में जो आंकड़ा मैं आपके सामने रखूं तो सिर्फ 3 में से केवल 1 व्यक्ति के पास बैंक खाता हुआ करता था। अब 80% से ज़्यादा लोगों के पास बैंक खाते हैं जिनमें जनधन का बड़ा योगदान है। और जनधन अकाउंट्स को अगर देखें तो US, कैनेडा, ब्रिटेन की कुल जनसंख्या से भी अधिक भारत में जनधन खाते हैं। आज स्वदेश के जनधन की ग्रोथ स्टोरी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ बेहद खास मेहमान। तो सबसे पहले मैं परिचय करा दूं सभी खास एक्सपर्ट्स का। हमारे साथ रमेश सिंह सर हैं जो कि फॉर्मर ED हैं देना बैंक से। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा हैं जो कि प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के। आपका भी सुनील जी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार हैं जो कि सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली में प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर विवेक आपका। और हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर राजेश सिंह भी जुड़ रहे हैं। राजेश सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। राजेश सर, जो ये हम ग्रोथ की एक नई स्टोरी की चर्चा कर रहे हैं, जब इसका आगाज हुआ, जब इसकी शुरुआत हुई, तब सिर्फ सवाल ही सवाल थे, शंकाएं ही शंकाएं थीं, और ये माना जा रहा था, ये सवाल पैदा किए जा रहे थे कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। और आज जब हम आंकड़ों के ज़रिए अपने दर्शकों के सामने तमाम तस्वीर बयां कर रहे हैं तो सिर्फ FY23 में ही इसने डिपॉजिट के मामले में जो है वो एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा तो हम पूरे इन 9 सालों के सफर में को देखें तो यहाँ पर धनराशि जमा हो चुकी है। एक जो सोच थी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की, उनकी इंडिपेंडेंसी की, वो अचीव होता नज़र आ रहा है। फिर भी मुख्य बातें अगर हम समझना चाहें जनधन योजना की और इसकी इस पूरी ग्रोथ स्टोरी की, जो स्वदेश की एक सक्सेस स्टोरी है इस योजना की, तो वो किस तरह से देखेंगे? सरकार के ऊपर बोझ आएगा 2075 में। अगर हमारा स्टाफ बढ़ता है तो उसके अनुपात में फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर चालू होगा, पर चला नहीं पाएंगे। लेकिन आज के दिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा इसमें डिपॉजिट हो गए हैं,
48 करोड़ से ज़्यादा इसके अकाउंट्स हो गए हैं। तो इस अकाउंट को जब खोला गया, इसमें सरकार के भी काफ़ी मदद मिली है इन अकाउंटों में। जैसे कि कोरोना के टाइम में जो 1500 रुपया महिलाओं को दिया जाता था, वो सारा पैसा इसी में गया है। तो इसके लिए भी उस पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपया हर महीना महिलाओं को दिया जाता था, वो सारे अकाउंट। तो इसके लालच में भी अकाउंट को बढ़ाए हैं लोग और अकाउंट खुला है। और आज जैसा कि आप बता रहे हैं कि 27 करोड़ महिलाएं हैं इस अकाउंट में, 48 करोड़ में। उसके अलावा जितने भी तरह के गवर्नमेंट सब्सिडीज़ हैं, वो सब अब इसी अकाउंट्स में जा रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सब्सिडी हो या फिर एलपीजी सब्सिडी हो, हर तरह की सब्सिडी सरकार की इसी अकाउंट में जा रही है। एक राउंड तो सवाल, इसीलिए इस अकाउंट को खोल रहे हैं और इस अकाउंट में पैसा आता जा रहा है। और आप अगर देखिए तो सिर्फ 2022 की 22-23 की हम बात करें तो 2022-23 में 50,000 करोड़ का डिपॉजिट इन अकाउंट्स में आया है। तो ये एक बड़ा सक्सेस है। और 80% से ज़्यादा भारत की पॉपुलेशन जो है वो बैंकिंग सेवा से जुड़ गई है, ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जैसा कि राजीव गांधी ने आपको याद होगा कहा था एक टाइम में, जो एक रुपया सरकार रिलीज करती है उसका एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन जो है वो एक्चुअल बेनिफिशियरी के पास पहुंचता है। अब इस जनधन खाते के चलते वो सारा का सारा पैसा जैसे ही सरकार रिलीज करती है, विद इन सेकेंड ये जो बेनिफिशियरी है उनके अकाउंट में जाता है। तो ये सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि है। तो लीकेज जो है पैसा का, वो बंद हो गया है। और यही जो सबसे बड़ा उद्देश्य था जनधन योजना को शुरू करने का, कि आखिर वो जो कतार में मौजूद एक आखिरी व्यक्ति तक का जो लाभ पहुंचना चाहिए वो पहुंचे। मैं अपने बाकी मेहमानों की ओर आऊं, बाकी एक्सपर्ट्स के पास आऊं, ज़रा अपने दर्शकों के सामने कुछ आंकड़े रखता हूं। और ये आंकड़े ही ये जो पूरा जनधन योजना है उसकी सक्सेस स्टोरी को बयां कर रहे हैं। मोटे मोटे जो आंकड़े हैं वो तो हमने आपके सामने रखे, लेकिन अब ज़रा देखिए इस योजना ने बदलाव क्या किया है। तो सफ़र जो कामयाबी का हम बता रहे हैं इस योजना का, अभी तक 48 करोड़ से ज़्यादा जो है वो लाभार्थियों की संख्या हो चुकी है जो इसके तहत इसका लाभ उठा रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ कि लाभार्थियों के खाते में 2,00,000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि जमा हुई है, डिपॉजिट हुई है। और ये तस्वीर में हम बार बार जो आप देख रहे हैं कि महिलाओं की एक जो सक्सेस स्टोरी है वो हम दिखा रहे हैं। और जनधन बैंक खाता धारकों में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं जो हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उनकी भागीदारी ज़्यादा है। अब ये आंकड़े को अगर देखें महिलाओं की, तो 53% से ज़्यादा जनधन बैंक खाता धारक जो हैं वो महिलाएं हैं। जी हाँ, इन 48 करोड़ से ज़्यादा लोगों में 53% जो शेयर है वो महिलाओं का, यानी उनकी संख्या इसमें ज़्यादा है। और यही वजह है कि इस पूरी तस्वीर में बार बार हम जनधन की इस कामयाबी की तस्वीर में महिलाओं की बार बार बात कर रहे हैं। अब जरा देखिए, कुल खाते 48 करोड़ से ज्यादा हैं, महिलाओं की जो अकाउंट्स की संख्या है वो 27 करोड़ से ज्यादा है, और पुरुषों के जो इसमें जनधन खाते हैं वो 21.5 करोड़ से थोड़े ज्यादा। तो ये तस्वीर बयां करती है कि जो सोच थी सरकार की, एक तो आखिरी तबके तक, आखिरी व्यक्ति तक जो है वो योजना का लाभ पहुंचे, और इसके साथ ही महिलाओं के बारे में जो कहा जाता है कि आप अकाउंट रख के करेंगी क्या, आपको अकाउंट की आवश्यकता क्या है, ये एक परसेप्शन था, उसे किस तरह से बदला है इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं। प्रोफेसर विवेक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इस पूरी योजना की, उसमें एक चीज़ वाकई जिसका राजेश सर ने भी जिक्र किया कि इस योजना ने, जिसको ये कहा जाता था ख़ासतौर पे विपक्ष की ओर से बार बार सवाल उठाए जाते थे कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये योजना उतनी फिजिबल नहीं है, लेकिन लगभग 9 सालों के सफ़र में इस योजना ने साल दर साल एक तरह की ग्रोथ स्टोरी लिखी है। और जब बात होती है कतार में मौजूद आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की, जब बात होती है कि सब बैंक अकाउंट का मतलब, इस योजना का मतलब सिर्फ बैंक में रखा पैसा नहीं है, बीमा भी है, आपकी स्वास्थ्य की सुरक्षा है, आपकी फाइनेंशियल सुरक्षा है। और जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो दो चीज़ें समझ में आती हैं, क्या देश में फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सब को लेकर अब
जो है जागरूकता और ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि ये आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। जी एकदम सही कहा आपने, जब ये योजना लाई गई थी तो शायद जो लोग इसके विपक्ष में थे उन्होंने इस योजना के का पूरा अध्ययन नहीं किया था। जिस तरह से ये योजना अनफोल्ड हुई है वो वास्तव में फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट साबित हुई। हमारे देश में नेशनलाइजेशन के बाद यदि कोई एक बहुत बड़ा संगठित प्रयास हुआ है जिसमें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की गई और वो लक्ष्य भी अचीव किए गए तो वो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है। और जिस तरह से इस योजना को अनफोल्ड किया गया फेजेस में, और आप देखेंगे तो हर फेज में कुछ नए फीचर्स ऐड हुए। आप इमेजिन करिए कि आज एक बिल्कुल निचली कतार में जो व्यक्ति है उसके पास ओवरड्राफ्ट की सुविधा है, उसको जब हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से जोड़ने की बात करते थे तो हमारे पास कोई साधन तरीका नहीं था। आज ये सारे जो जिन लोगों के जनधन अकाउंट हैं उनके पास, जैसे आपने ठीक कहा कि बीमा की सुविधा है, उनको डायरेक्टली जीवन बीमा का लाभ मिल सकता है, उनको एक्सीडेंटल बीमा के साथ इसको लिंक किया गया वो इसको उनको मिल सकता है, मुद्रा योजना के साथ इसको लिंक किया गया तो उनको मुद्रा योजना के जो बेनिफिट्स हैं वो इसके माध्यम से मिल सकते हैं। यानी कि जो जिस तरह से हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को डिफाइन करते हैं, ओवरड्राफ्ट की मैंने बात की, वो सारे फीचर्स इस जनधन योजना में है। प्रारंभ में सिर्फ ये सोचा गया कि ये पॉपुलरिटी गेन करने के लिए एक्सरसाइज है, लेकिन जिस धीरे धीरे जैसे जैसे ये योजना अनफोल्ड होती है ये पेजेस जोड़ते रहे और जो संख्या आप बता रहे हैं 54% लगभग 55% लोग पहले ऐसे थे जिनका बैंक में खाता था और अभी आज आप कह रहे हैं कि 80%, यानी कि 10 वर्षों में आपने, और ये वास्तव में देखिए ये जो 26% जो ऐड हुए हैं या 25% जो लोग ऐड हुए हैं ये वो लोग हैं जिनको हम फाइनेंशियल सिस्टम में जोड़ नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास खाता खोलने के लिए या वो जो पूरी एक्सरसाइज होती है KYC या और जो बाकी चीजें होती हैं वो उसको पूरा करने में सक्षम नहीं थे, यानी कि वो बिल्कुल एक्सक्लूडेड लोग थे और इस योजना के बिना उनको जोड़ना संभव नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सफलता है और फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद जब भी बात होगी तो पहली योजना जो जिसको अभी तक लोग कहते थे कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन मेरी समझ से ये उससे भी बड़ा कदम है और वास्तविक जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो इस योजना के माध्यम से हुआ है। अहम बात है आपने कही और यही 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 इस योजना का मकसद भी था। सुनील सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो ये नंबर जो हैं वो पूरी बैंकिंग व्यवस्था में जुड़ते हैं, पूरी इकोनमी में एक कड़ी का काम करते हैं और इन सब के बीच हम देखते हैं कि इस योजना में बीमा भी है, लोग रुपे कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें एक इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा फर्क पैदा करती हैं और हम अगर देखें कि किसी अर्थव्यवस्था में एक बड़े बदलाव की ओर जब देखें तो हम रूरल डिमांड की बात करते हैं, हम ग्रामीण जो हमारी डिमांड आनी है उसकी बार बार बात होती है, ये सारी चीज़ें और ख़ासतौर पे ये योजना क्या उस दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो रही है? योजना जो है इसको समझने के लिए जरा हमें विस्तार से इस परियोजना पे ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक जनधन योजना का पहला मकसद था कि लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का, वो मकसद तो जरूर हमने हासिल कर लिया है क्योंकि जिस हिसाब से बैंक अकाउंट्स खुले हैं और जिन लोगों को हमने जो कि बैंकिंग व्यवस्था से बाहर थे उनको हम बैंकिंग व्यवस्था में ला पाए हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस चीज में कोई दो राय नहीं हो सकती है। परंतु जब हम ये स्टैटिस्टिक्स को लेकर के
किसी भी व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं। स्टैटिस्टिक्स जितना बचा हमें बताता है उतना ही छिपाता भी है। तो जो बताने वाली बात है वो ये है कि भाई बहुत सारे लोग जो है फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बन गए। इस बैंकिंग का हिस्सा बनने के और उनके अकाउंट खुलने की वजह से जो है हम उनको और कई किस्म की जो सुविधाएं हैं वो प्रदान कर सकते हैं। परंतु समझने वाली बात यह है कि अगर बैंक में खाता खोलना है और उसके थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसी या कुछ और चीजें देना है, ये तो एक पहलू है। जो उससे भी बड़ा पहलू ये है कि वो बैंक खाते का इस्तेमाल जो है वो बेनिफिशियरी किस तरीके से कर रहा है, किस हद तक कर रहा है, क्या उसका वो प्रॉपर इस्तेमाल कर पा रहा है या नहीं पा रहा है, इसके बारे में अभी भी जो है हमें बहुत ज्यादा समझ नहीं है और हमें इसके बारे में पता नहीं है। क्योंकि ज्यादातर जो पैसे आपको जनधन अकाउंट में जा रहे हैं वो सरकारी योजनाओं के तहत जा रहे हैं। किसी न किसी सरकारी योजना के तहत जो फाइनेंशियल ट्रांसफर होना है वो इन जनधन अकाउंट में हो रहा है, जिसकी वजह से कॉर्पस बढ़ता जा रहा है। परंतु ये बात हमें अभी भी नहीं पता चली है कि इन बैंक अकाउंट का इस्तेमाल जो वो हाउस होल्ड हो चाहे वो इंडिविजुअल हो वो किस तरीके से कर रहे हैं, क्या वो उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से हम पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो एक जो इसका दूसरा पहलू है, हमें उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। और कई बार हम ये होता है कि हम एक पहलू को देख करके उसका संज्ञान लेकर के हम इतने खुश हो जाते हैं कि हम उसका जो दूसरा पहलू है उसको देख ही नहीं पाते हैं। तो मेरी समझ से जो नेक्स्ट स्टेज जो इम्पोर्टेंट है इस पूरे जनधन योजना में वो ये है कि जो जिनको ये लाभ मिल रहा है जनधन से वो उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर। बात आपने कही है और इसी सवाल के साथ मैं रमेश सर आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से वाकई हम एक तरह से तो देख रहे हैं कि ये आंकड़े जो हैं वो जनधन योजना की कामयाबी की कहानी कह रहे हैं, अब इसके एग्जीक्यूशन के बाद जो बेनिफिशरीज हैं जिन्हें लाभ इसका मिला है इसका इस्तेमाल क्या सही तरीके से कर पा रहे हैं, वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो वाकई उस दिशा में है जिस दिशा में इस योजना के उद्देश्य को लेकर चला गया था। आप बैंकिंग सेवा से जुड़े रहे हैं और आपने तमाम योजनाओं को भी बड़े करीब से इस तरह से एग्जीक्यूट होते हुए या उनमें आने वाली जो चैलेंजेस हैं उनको देखा होगा। इस खास योजना के साथ आपको अगर हम देखें कि इसके पॉजिटिव्स और चैलेंज अगर देखें तो वो क्या देखते हैं? जी बिल्कुल, 2014-15 अगस्त के वित्तीय समावेशन की जो शुरू हुआ था प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसने आज जो मुकाम हासिल किया वो सचमुच में बहुत ही प्रशंसनीय है। 2,00,000 करोड़ रुपए के जमा राशि इन 49 करोड़ अकाउंट में जमा होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं बैंकर हूँ तो इस बात का मैं बिल्कुल क्रेडिट लेना चाहूँगा कि हम बैंकों ने इसमें 100% भूमिका निभाई है कि ये सारे खाते बैंकों में ही खुले हुए हैं, सारे बैंकर्स में खुले, और उसमें भी सरकारी बैंकों ने जो है उसमें इसमें उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। रही बात इनके पॉजिटिव्स के बारे में, तो जैसे कि अब सारे के सारे जो खातेधारक हैं उनको उनके स्वास्थ्य के लिए बीमा मिल जाना, उनको 2,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा तुरंत मिल जाना बिना मांगे बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी रिक्वेस्ट के, 10,000 तक की भी सुविधा उनको अवेलेबल है। इस तरह से जब सरकार से जो कि पहले हम लोग देखा भी करते थे कि किस तरह से फंड्स का मिसयूज हुआ करता था, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के चलते सीधे इनके खाते में जमा हो जाना, तो इसके जो मिसयूज की जो संभावना जो कुछ सालों पहले जब हम लोग क्या करते थे बैंकों में उसकी संभावना काफी खत्म तो नहीं हुई है लेकिन काफी कम हो गई, क्योंकि डीपीटी से सीधे आपको में जमा होने के बाद में पैसे भी आज वो व्यक्ति लाभार्थी अपने
खुद के आधार कार्ड के जरिए अपने पॉस मशीन के ऊपर यूज कर सकता है, यूपीआई के थ्रू यूज कर सकता है और जो बैंकों में जो उसकी सुविधा है उसको ले सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जहाँ पे सिक्के के दो पहलू होते हैं वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन मेरे अपना पर्सनल अनुभव यह है कि अब तक सभी लाभार्थी इससे काफी काफी अच्छा प्रभाव उसका उन पर पड़ा हुआ है, उनमें भी बचत की जो एक संभावना है काफी बढ़ गई है, उनको ये देख कर काफी खुशी होती है कि हम अपने बैंकों से जुड़ गए जो कि पहले कुछ सालों पहले हम लोगों को उसकी कोई संभावना नहीं हुआ करती थी, अब उनको संभावनाएं न सिर्फ दिखाई देते बल्कि पूरी तरह से उनको साबित कर चुके कि यस वे भी इस भारत सरकार के एक बहुत बड़ी योजना के भाग है। निगेटिव में मैं ये कहूँगा कि मैं भी कुछ सहमत हूँ अपने पिछले साथी से कि इसे सचमुच में हमें एक सच्चे पैमाने पर नापना होगा कि अभी भी क्या वो जो पहले हम देखते थे, जो कुछ मैं बैंक कर रहा हूँ इसको देख भी चुका हूँ कि जिस तरह से इंदिरा आवास योजना में उसका बहुत ही मिसयूज हुआ था सालों साल तक, क्या ऐसे कुछ तो यहाँ पे नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने गांव में रहते हुए देखा है कि लाभार्थी के खाते में पैसे जमा होते हैं लेकिन पैसे निकालने वाला कोई गांव का बड़ा व्यक्ति होता है जो इन सब के नाम से करता है, क्या ऐसे कोई प्रकार हो रहे हैं क्या, इसके बारे में भी जानकारी लेनी पड़ेगी। गाँव में अभी भी लोगों को गाँव के मुखिया का गाँव के सरपंच का डर रहता ही है और उनके बोलते उनके चलते से सभी सभी चीजें हुआ करती है, ये मैं खुद ग्रामीण भागों में काम कुछ लूपहोल्स है जहां पर कहीं ना कहीं डेटा आना बाकी है या इनको भी देखना अभी आवश्यक है, लेकिन फिलहाल जो अभी की तस्वीर बन रही है वो ये साफ कह रही है कि माइलस्टोन तो है ही। इसके साथ ही जिस तरह से रमेश सर बता रहे थे कि खुद वो एक बैंकर है तो वो जान रहे हैं कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और इसके जरिए कितना बड़ा बदलाव आया है। चैलेंजेस हैं, कुछ कमियां भी हैं जिनको कहीं ना कहीं दुरुस्त करना होगा। राजेश सर भी हमारे साथ बने, राजेश सर हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स भी बने हैं, आप एक्सपर्ट से कुछ खास सवाल करना चाहते हैं? जैसा कि सुनील कुमार बता रहे थे हम उनसे सहमत है कि जो इसका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है इस पर सरकार को ध्यान देना है और उसकी उसी के तहत काफ़ी हो भी रहा है काम। जैसे 2019 में सरकार ने ये लाया कि इसको रुपए कार्ड जैसे आ गया, क्रेडिट कार्ड आप वो देना शुरू हुआ, उसके अलावा इंश्योरेंस की सुविधा दी गई है, अब 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है इन जनधन अकाउंट खाताधारकों को। और कोविड काल का इस पर बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ कि कोविड के दौरान जैसे कि पेटीएम एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, यूपीआई एक सक्सेस स्टोरी है, तो धीरे धीरे ये उन खाताओं तक पहुँचेगी। लेकिन सुनील कुमार जी आपसे ही जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि किस तरह की योजनाएं लानी चाहिए, क्या करनी चाहिए ताकि इसका इस्तेमाल बढ़ सके, सरकार किस तरह के इंसेंटिव्स दे कि लोग इन खातों पर विश्वास करें और सिर्फ पैसा निकालने के लिए ही नहीं जाएं बल्कि इस पे पैसा डिपॉजिट भी हो और वो अपना पैसा भी डाए और सिर्फ बेनिफिट्स के जो स्कीम है या सब्सिडी के पैसे हैं वो सिर्फ अकाउंट में ना रहे। देखिए यहाँ पे अगर फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको कि हम कहते हैं, रियल सेंस में फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ यहीं पे आके खत्म नहीं हो जाती है कि हमने जो है जनधन के तहत एक उनको बैंक अकाउंट मुहैया करा दिया या जो पैसा उन तक पहुंचना चाहिए था पहले वो नहीं पहुंच पाता था तो अब जो ये खाता खुल गया है तो डीबीटी के तहत डायरेक्ट उनके खाते, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसका क्रेडिट जो है वो ड्यू है। पर असली मुद्दा जो है वो ये है कि ये तो आपकी पहली सीढ़ी तो आपने क्रॉस पे चढ़ गए, अब दूसरी सीढ़ी ये है कि जब पैसा वहां पे पहुंचता है या इस अकाउंट के थ्रू आप और कई किस्म के लाभ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो लाभ जिन बेनिफिशियरी है को पहुंचाना चाहते हैं उन बेनिफिशियरी में इन इन चीजों के बारे में कितनी समझ है, और मेरी समझ से वो ये जो डीबीटी ट्रांसफर से ज्यादा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमने ये देखा है के वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं या कम समझ है जिन्हें फाइनेंस या फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज के बारे में, उनको
तमाम जो बेनिफिट्स हैं एक बैंक अकाउंट के, वो समझाना और उनसे ये अपेक्षा करना कि वो उसका बेनिफिट ले पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये कोई एक या दो साल का काम नहीं है, इसमें सालों लग जाएंगे। तो मेरी समझ से ये एफर्ट जो है ये एक कंटिन्यूअस एफर्ट है, ये चलता रहना चाहिए ओवर द इयर्स। वी शुड नॉट फील हैप्पी अबाउट कि हमने खाता खोल दिया, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए और बात खत्म हो गई, नहीं। क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस को देखें तो इंश्योरेंस बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, उसकी पेनिट्रेशन जो है उसको बढ़ाने के लिए जब कभी भी इंसेंटिव्स दिए गए हैं तो इंश्योरेंस की मिस सेलिंग ज्यादा हुई है, जो एक्चुअल सेलिंग होनी चाहिए वो कम हुई है। और इस बात का संज्ञान लेने के बाद जो है बहुत सारा कदम जो है पीएफआरडीए ने भी उठाया। इसी तरीके से मैं यही कह रहा हूँ कि ये जनधन के अकाउंट्स जो खुल गए हैं तो उसके थ्रू कई सारी सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं, लेकिन वो बहुत सारे जो सुविधाएं हैं उनका इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है, बेनिफिशियरी को वाकई समझ में आ रहा है कि एक्चुअली उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, ये एक बहुत पेचीदा और मुश्किल सवाल है। सही मायने में कहा जाए तो मेरे पास आंसर नहीं है, बट ये दिस शुड बी अ कंटिन्यूअस एफर्ट और मेरी समझ से दिस शुड बी अ वेरी वेरी, क्योंकि पहली सीढ़ी चढ़ना शायद आसान है, दूसरी सीढ़ी चढ़ना आसान है, पर जैसे जैसे आप, मतलब वही कहते हैं ना कि अगर आप एग्जाम में उत्तीर्ण हो रहे हैं तो 30-40% मार्क्स लेना आसान है, उसके बाद 50% उससे भी मुश्किल है, जब आप अगर उसको 90-100% तक जाना चाहे तो और भी मुश्किल हो जाता है। उसी तरीके से इसमें भी वही मसला है कि पढ़े लिखे लोग जब गुमराह हो बिल्कुल जाते सही बात तो बिल्कुल सही बात, उनके साथ पता नहीं क्या होगा, अगर मतलब आपने बिल्कुल सही बात इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल थमा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात सुनिए सर, और मेरे पास समय की कमी है और वाकई ये चर्चा बड़ी बेहतर रही, कोशिश यही की गई कि इस योजना के हर पहलू पर विचार किया जाए, चैलेंजेस की भी बात की जाए, हम थोड़े क्रिटिकल भी हुए, और इसके साथ ही तमाम जो हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय का मैं माफ़ी चाहूँगा प्रोफेसर विवेक का, मैं इस चर्चा को आगे नहीं ले जा सकता, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो, और जो चीज़ हमें इस पूरी चर्चा के दौरान जो बात निकलकर सामने आई है कि जनधन योजना क्या कि ये कामयाबी एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन यहीं हमें नहीं रुकना है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसे आगे बढ़ाते रहना है, और इसके साथ ही ज़मीन पर किस तरह से लोग इसे देख रहे हैं, क्या उन्हें इस योजना के बारे में सही जागरूकता मिली है, इसके बारे में भी देखना होगा। एग्जीक्यूशन जो है वो किस तरह से हो रहा है, इसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, इसे भी देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।